पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने झुंझुनू में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर सेना के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, नोटबंदी, राम मंदिर और धारा 370 को लेकर भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रेस वार्ता में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने भी भाजपा पर कटाक्ष किए। कहना है कि भाजपा झूठी तो है ही, झूठी के अलावा टिकट भी बेचती है। और मैंने इसीलिए भाजपा छोड़ी कि बीजेपी ने दोनों बार 2013 में और 2018 में ऐसे आदमी को विधानसभा की टिकट दी जो यहाँ का मतदाता नहीं और जो पार्टी का मेंबर नहीं, ऐसे व्यक्ति को टिकट दी, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। और पार्टी सही बात है, जैसा कि शेखावत साहब ने कहा अभी अभी कि पता नहीं क्या क्या बातें कही गई थी और फिर बाद में सब कह दिया कि जो जुमला था, ये जुमला कह के पीछा छुटा लिया, ये कोई बात थोड़ी।